इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से अफवाहों का दौर तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर खबरें घूम रही हैं कि दिल्ली के खानपुर, कृष्णा पार्क, तिलक नगर और मंगोलपुरी समेत कई इलाकों में भीड़ घूम रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे महज अफवाह बताया है। आप लोगों को बताओ, गंदे आदमी है भाई, ऐसा है मंगोलपुरी में, केवल अफवाह है, सब शांति है, पूरी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, पूरा थाना अलर्ट है, कोई किसी को चोटने लगी है ना, कोई इंजर्ड है, सब केवल अफवाह ही है। और इन अफवाहों से दूर रहिए और अपना भाईचारा शांति कायम रखिए, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। मंगोलपुरी में शांति रखिए, शांति रखिए और हम सब भाईचारे से रहें। पुलिस 24 घंटे काम करेगी आपके लिए और पुलिस हाजिर है हर ब्लॉक में। तो नमस्कार, मैं इस वक्त तिलक नगर बिल्कुल मेन चौक में खड़ा हूँ, जहाँ पर यह पुलिस बूथ है और ये मेन चौक है तिलक नगर का अंदर का। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अब से आधा घंटा पहले 7:30 बजे एकदम भगदड़ भगदड़ मच गई कि हाँ जी कुछ हो गया है, कुछ झगड़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा लोग आ गए मारने के लिए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सब ने क्या हुआ, भगदड़ मच के और दुकानें बंद करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन किसी को मामला पता नहीं लगा। अब तकरीबन जो लोग अपनी दुकानों में छुपे हुए थे या दुकानें बंद करके अंदर हो गए थे, वो सारे के सारे लोग, कई लोग कस्टमर भी थे, अपनी फैमिली के साथ बाहर आए हैं और अपने घर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन भगदड़ क्यों मच गई, लोग इतनी अफवाह में क्यों आ जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और अभी यहाँ पर जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनका नाम है सरदार जरनैल सिंह जी, और जरनैल सिंह जी भी यहाँ पर तिलक नगर चौक पे आए हुए हैं और साथ में SHO वगैरह भी आए हुए हैं। उन्होंने भी बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं है और सारी की सारी शांति है, ठीक है। और ये लोग भी हमसे जानकारी ले रहे हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दो गुटों में आपस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से, क्योंकि आज तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से हिंदुस्तान में प्रॉब्लम तो आ ही रही है, खासकर दिल्ली में, तो इसलिए लोग चिंतित हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो या हमारे परिवार, हमारे लोगों के साथ, हमारे हिंदुस्तान के साथ गलत ना हो, हमारी दिल्ली के साथ गलत ना हो। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो पता लगा है अभी कुछ लोगों से यहाँ पे कि जो लोग खास ख्याला से होके आए हैं, ख्याला में कुछ लोग आपस में, कोई कह रहा है जुआ खेल रहा था या आपस में कोई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से आपस में मार कुटाई हो गई दोनों में, उन्होंने आपस में मुद्दा बना दिया कि झगड़ा हो गया, जिससे कि पूरे 2-3 गुटों के अंदर आपस में लड़ाई हो गई और भगदड़ मच गई, ठीक है। तो अफवाहों पे मत जाइए, असलियत पे ध्यान कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो सबको नमस्कार एंड सत श्री अकाल, मैं रजिंदर सिंह तिलक नगर में हूँ इस टाइम, और तिलक नगर की मार्केट में आधे घंटे पहले को शोर हुआ था क्योंकि दंगा फसाद हो गया, कुछ लोग आ गए और भगदड़ बच गई बहुत ज़्यादा, हम लोग भी घबरा गए। और ये देखो आप सारी की सारी, ये पूरी मार्केट है और मार्केट के जो दुकानदार हैं, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, वो लोग सब इकट्ठे हैं। ये मेन तिलक नगर का चौक है जहाँ पर ये थाना बूथ बना हुआ है, ठीक है, और सिचुएशन को और सारी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, विद SHO आए हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, आपस में सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई हुई थी ख्याला के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि दंगा फसाद हो गया और आम लोग जो है वो जान बचाने के लिए या बच्चों के साथ थे, मार्केट में से भगदड़ चालू हो गई, जिसकी वजह से सारी की सारी मार्केट बंद हो चुकी है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने घर पर रहें और सेफ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। दशोद्र आपसे अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें और शांति बनाए रखें। जरूरी सूचना, दशोद्र के सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे नए YouTube चैनल द रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दशोद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साजिश रच रहे हैं। द रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें दशोद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।